ये बैठक में नीतीश कुमार जब अपना भाषण खत्म कर कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, उसी समय वो नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगे। इस तस्वीर की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होने लगी क्योंकि बीते 48 घंटे से जेडीयू के कई बड़े नेता मलाईदार मंत्रालयों की डिमांड रखने लगे थे, लेकिन आज नीतीश ने मंच से कह दिया है कि जो कुछ मोदी कहेंगे इनकी बात मानते हुए वो आगे चलेंगे। यानी कि नीतीश ने जो गारंटी दी, क्या मोदी को उस गारंटी पर यकीन है? वैसे नीतीश की एक बात पर आपने ध्यान दिया क्या? मेरा इशारा किधर है इस रिपोर्ट में देखिए। जिस नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन ने उम्मीद लगा रखी थी, आज उन्होंने मोदी के पैरों में झुककर बता दिया कि वो जहां हैं खुश हैं। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हम मिलकर के सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था। नीतीश शपथ ग्रहण को लेकर मोदी से भी ज्यादा जल्दी में, उन्हें इतनी जल्दी क्यों है इसकी वजह आपको बताएंगे। पहले इस पूरी तस्वीर को डिकोड करना जरूरी है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से उम्र में 5 महीने और 12 दिन छोटे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अपनों से बड़ों के पांव छूना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष को ये तस्वीर इसलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आविष्कारक कभी नीतीश कुमार ही रहे थे, जो चुनाव शुरू होने से कुछ महीने पहले ही उधर से इधर आ गए थे, पर आज उन्होंने सबके सामने फिर से गारंटी दी है कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इस बार हम देखे कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब आप ये समझिए कि नीतीश को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कराने की जल्दी क्यों, ताकि तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी मंत्रालय का बंटवारा करें और जेडीयू की डिमांड लिस्ट पर अमल करें। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मांगा, लेकिन इससे भी बड़ी डिमांड बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं और आज मोदी की मौजूदगी में भी उन्होंने ये बात फिर से कह दी। आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, जो भी हर राज्य का है। मोदी नीतीश की भावना समझ गए और मुस्कुराने लगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। क्या इस बार सुशासन बाबू 12 सांसदों के दम पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।